सो वेलकम बैक टू गेमिंग यार। तो क्या हाल यार आप सब लोगों की, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं मायावी के साथ। तो हाल ही में मायावी जब लाइव होते तो उनसे पूछा जाता है कि अगर उनके पास ऑप्शन हो एक ड्रीम टीम बनाने का पूरे कम्युनिटी के प्लेयर्स को मिला करके, तो वो यहाँ पर रिस्पॉन्स में ये बोलते हैं कि वो एज आईजीएल मान्या को पिक करते, एज एन असोल्ट निंजा और जोनाथन को पिक करते, एंड एज अ सपोर्ट प्लेयर वो पंक को पिक करते, एंड एज अ फिफ्थ प्लेयर वो यहाँ पर ब्लेज को पिक करते। और सो मायावी इसी रिसेंट लाइव में बात करते हैं गॉड लाइक के बारे में, एंड उनसे ये बोला जाता है कि वो गॉड लाइक के साथ राइवलरी क्यों कर रहे हैं। एंड बेसिकली उस सवाल का रेफरेंस यहाँ पर था ड्रॉप क्लैश से। तो मायावी यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं वो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। क्यों गॉड लाइक से पंगा लेते रहते हो भाई? ऐसे कुछ इंटेंशनली पंगे नहीं लेते यार, बट देखो एक चीज होती है जो इन गेम रहती है ना, मैं उसको इन गेम रखना पसंद करता हूँ। जो पहले भी हुआ वो भी इन गेम रिलेटेड चीजें थी, अभी भी अगर गेम में हमारी फाइट हो रही है, आज भी हुई थी, कल भी हुई थी, आगे भी होगी। अभी आप टीएसएम की हमने यहाँ पर बात करी है, तो हाल ही में हमें ये पता चलता है कि निंजा, इशिका और ब्लेज गॉडलाइक बूट कैंप पर गए थे, जिसके बारे में शैडो नियो गिल बात करते हैं। एंड वो यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं वो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। कौन आया था बता दे इसको, शैडो ड्रॉप मैसेज म्यूट करके बता, म्यूट करके विल बी शॉक्ड। चल मैंने म्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया, चल मैं म्यूट कर रहा हूं। क्यों क्या किस लिए बूट कैंप के अंदर आए थे अमर को मिलने आए थे? पूरा घुमाया भाई उसको, उनको बूट कैंप। निंजा ब्लेजर कौन? इसी का हेडीज भी आ रहा है कल। चल अनम्यूट कर दिया मैंने, अनम्यूट कर रहा हूं मैं भी कर। आल्सो वीडियो में आगे बढ़ रहे तो यहां पर हम बात कर लेते हैं प्लेग्राउंड सीजन 2 के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है प्लेग्राउंड सीजन 2 में देखने को मिल रहा है, जिसमें यार मेंटोर्स की बात करें, जिसमें स्काउट, कैरिम नाइटी और ट्रिगर्ड इंसान सेम मेंटोर्स हैं। एंड दो नए मेंटोर्स जो हमें देखने को मिले हैं वो है आशीष चिंचलानी और हर्ष बेनीवाल। अब यार प्लेग्राउंड सीजन 1 में हमें मॉर्टल दिखे थे, बट प्लेग्राउंड सीजन 2 में हमें मॉर्टल स्पॉट नहीं हुए। तो इसी चीज के रिगार्डिंग यार ये थ्योरी बाहर निकल के आ रही है कि सीजन 1 के टाइम पर मॉर्टल ने ट्रैकिंग को प्रायोरिटी दी थी, इसकी वजह से उन्हें सीजन 2 का इन्वाइट नहीं आया। अब यार इस चीज के बारे में तो हमें आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली में उनको इनवाइट आया या नहीं आया, एंड अगर आया तो उन्होंने रिजेक्ट क्यों किया। बट मॉर्टल के बारे में जब करंट मेंटोर से बात करी जाती है तो उनका रिएक्शन आप देख सकते हो। बट टू ऑल आवर प्रीवियस मेंटोर्स, लाइक मेरा ये सवाल आप तीनों के लिए रहने वाला है। मॉर्टल, ही वाज देयर एट द प्लेग्राउंड 1 एज वेल, सो हाउ वाज ही एज अ मेंटर, एज अ कंपटीशन, लाइक कैसे थे वो, लाइक वो चीज में जाना? वो पहाड़ों में थे, वो मुझे पता है, वो उने, मेरी बात हुई थी। पहाड़ चढ़ने में चढ़ने का बहुत शौक था तो आज भी वो साथ ट्रैकिंग ही कर रहे हैं, लेकिन वन से ट्रैकिंग ही करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने अपना साथी पीछे छोड़ दिया और वो पहाड़ चढ़ चुके हैं, वो अभी एक अलग यात्रा पे हैं, वो यात्रा पे अपने जा चुके हैं। Also, Playground Season 2 की हम बात कर रहे हैं तो स्काउट की एंट्रेंस एंड स्काउट का रिएक्शन ऑन फर्स्ट ट्रॉफी आप देख सकते हो। एक बात बताओ, ये ट्रॉफी आपके घर में कौन सा स्थान इसने रखा हुआ था? सबसे आगे एंटर करते सबसे पहले दिखता है। वाओ, एंड इसको शाइन वाइन करने के लिए आपने? इस ट्रॉफी की खासियत ऐसी है ना कि जब आप अच्छे से जीतते हो ना, ये अपने आप खुद ही साफ हो जाती है। वाओ, तो इसके पीछे इतना मेहनत लगा है ना, तो अपना साफ हो जाती है, तो इसको साफ करने की जरूरत नहीं है। That's really nice. And you know, आपने जब last time में जीती थी, obviously काफी ज़्यादा एक अलग appreciation देखने को मिला था, because you know coming down सबसे पहला playground उसको जीता। But पता है, मैं scout को भी जानता हूँ, मैं तन्मय को भी जानता हूँ। I want to know what did this trophy mean to तन्मय and scout? दोनों अलग-अलग इंसान हैं मुझे पता है। So what did it mean to both of them? देखो दोनों की पहली ट्रॉफी है। अरे ये दोनों की पहली ट्रॉफी है, तो बस अपनी पहली ट्रॉफी थी और शान से लिए, मेहनत से लिए, मजा आ गया। तो बस यार आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं भी चलता और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ। सुना आज बहुत स्ट्रगल मारे हो? बहुत यार। क्या? मैं फर्स्ट फ्लाइट मैंने 15,000 की बुक की, उसके लिए मैं एयरपोर्ट पे लेट पहुंचा, काउंटर बंद हो गया था, तो मैंने तुरंत 2 घंटे बाद की फ्लाइट बुक करी 12,000 की, और मैं जाके बैठ गया थोड़ा खाना खाने। मैंने देखा मेक माई ट्रिप पे कैंसिलेशन का ऑप्शन है क्या, चेक करता हूँ। मैं गया, देखो अरे फर्स्ट फ्लाइट का अभी भी कैंसिलेशन का ऑप्शन आ रहा है। कैंसिल पे जा बोलता 8,000 रुपए रिफंड मिलेगा। हाँ, बोला 8,000 रुपए? मतलब 5 मिनट में फ्लाइट निकल रहा है, 8,000 आप? तो मैंने तुरंत कैंसिल कर दिया। तो पता चला मैंने नई वाली फ्लाइट बुक की थी ना, वो कैंसिल कर दी।